हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अश्विनी केक्स एंड क्लासेस। और मैं हूँ अश्विनी, आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं मात्र 3 चीज़ों से बिल्कुल ही हलवा स्टाइल बनने वाली मिठाई। तो ये मिठाई आप इस रक्षाबंधन ज़रूर ट्राई कीजिए। एकदम सिंपल सी रेसिपी है, झटपट बन जाती है और कम से कम इंग्रेडिएंट में बनने वाली रेसिपी है और बिल्कुल हलवा स्टाइल। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ मैंने लिया है लगभग 3 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे हम नारियल का बुरादा कहते हैं। इजीली मार्केट में अवेलेबल है और जिस कटोरी से हमने नारियल डेसिकेटेड कोकोनट लिया है उसी कटोरी से हम 1 कटोरी लेंगे कंडेंस मिल्क। ये बिल्कुल घर पे बनाया कंडेंस मिल्क है। कंडेंस मिल्क कैसे बनाते हैं तो इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे पोस्ट की है, तो उस रेसिपी से आप कंडेंस मिल्क बना सकते हो। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और जब ये चीज़ें अच्छे से मिल जाए तो हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच रोज़ सिरप। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको प्लेन मिठाई बनानी है वाइट कलर की तो आप प्लेन ही डालिए। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच पिंक कलर ऐड किया है, खाने वाला कलर है ये बिल्कुल ही। और अब हम इन चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप प्लेन मिठाई बना रहे हो तो आपको कंडेंस मिल्क 1 से 2 चम्मच एक्स्ट्रा लगेगा। अब मिठाई सेट करने के लिए यहाँ मैंने एक ट्रे ली है और उसमें मैंने एल्युमिनियम फॉइल पेपर लगा लिया है। अगर एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप सिंपल उस टिन को घी से ग्रीस कर दीजिए तो भी हो जाएगा। अब जो हमने रेडी किया है मिश्रण, वो हम इस ट्रे में डाल देंगे और अच्छे से इसे फैला लेंगे। थोड़ा दबा लेना है आपको ताकि ये इवनली सेट हो जाए। तो यहाँ मैं हाफ पोर्शन में ही बना रही हूँ। अभी अच्छे से सेट कर लेंगे। आप सेम मिठाई 2 कलर से भी बना सकते हो। यहाँ मैंने रोज़ सिरप का यूज़ किया है, इसीलिए मैंने यहाँ इसे पिंक कलर में बनाया है ताकि ये दिखने में भी अच्छी लगे और रोज़ का थोड़ा फ्लेवर भी आ जाए। तो ये अच्छे से अब सेट हो गई है। इसे एक बार थोड़ा प्लेन कर लेंगे स्पैचुला से। फिर हम इस पे डालेंगे कुछ, मेरे पास पिस्ता है तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हो। इसे भी हम थोड़ा प्रेस कर लेंगे और अब हम इस ट्रे को लगभग 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख देंगे। देखिए ये कम्प्लीटली सेट हो गया है। अब हम इसे मनचाहे शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ मैं कुछ अलग ट्रायंगल शेप में इसे बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम इस मिठाई को कट कर लेंगे। एल्युमिनियम फॉइल से एक होता है कि आपकी मिठाई इजीली डीमोल्ड हो जाएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा है वो हम निकाल लेंगे और इसे हम मनचाहे शेप में अब कट कर लेंगे। तो यहाँ मैं ट्रायंगल शेप कट कर रही हूँ। इससे पहले मेरे पास कुछ सिल्वर वर्क है तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। ये भी टोटली ऑप्शनल है। मिठाई है, थोड़ी मार्केट जैसी लगनी चाहिए इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लगाइए, नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। तो ये हमारी झटपट 15 मिनट में मिठाई बनकर रेडी है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल मिठाई है। तो इस रक्षाबंधन आप ये मिठाई ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर देखिए, वाओ परफेक्ट। तो मिठाई बनाइए और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ